नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी देवी की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। मई महीने में कुंभ राशि का भाग्य बदलने वाला है, साथ ही जीवन एक सक्सेसफुल राह पर चलने वाला है। इस समय आपको अपने घर में ही रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो यह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय ले। साथ ही इस वीडियो के अंत में अपने घर में किस तरह के छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके आर्थिक समस्या दूर हो। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मई महीने की कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। अपने बारे में जानने के लिए इस महीने में यानी कि मई महीने में समय अति उत्तम है। अपने चेहरे, फिगर, स्वास्थ्य और मेकओवर के बारे में आप सोच सकते हैं। आपको अपने अंतरंग और व्यक्तिगत हर पहलू की जांच करनी चाहिए और अगर इनमें सुधार की जरूरत हो तो इस और सकारात्मक कार्रवाई करना चाहिए। अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों और बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। कार्य प्रणाली को चुनौती देने के लिए यह महीना उपयुक्त नहीं है। आत्म मूल्यांकन के साथ साथ ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करना इस समय की मांग है। आपके बदले हुए दृष्टिकोण से ही जीवन में सफलता, खुशी और संतुष्टि आएगी। इस महीने आप अपनी सीमाओं को लेकर जागरूक होंगे, चाहे वो शारीरिक, भावनात्मक या वित्तीय हो। इस समय आपको प्रतिद्वंद्वियों या अन्य लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको विचलित करेगी। दुनिया की या उन समस्याओं को हल करने के लिए अभी समय सही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कम बोलना और लो प्रोफाइल रखना अभी अच्छा विचार हो सकता है। अभी किए गए परिवर्तन और निर्णय भौतिक या अन्य रूप से लंबे समय तक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि का मई महीने का धन राशि फल के बारे में। आपके मित्र और परिवार अक्सर आपको स्वयं की आलोचना करने के लिए मना किया करते हैं, लेकिन अभी आपके सितारों का अलग ही कहना है। अपने मूल्यांकन के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है। अपने प्रदर्शन में सुधार करके आप उन लोगों के प्रदर्शन पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगे जिनके साथ आप काम करते हैं। अपने आप को तनाव से बचाएं और जब भी जरूरत महसूस हो अपने लिए समय निकालें। दोस्तों का साथ आपको हर चिंता से मुक्त कर सकता है। जीवन में स्वयं का आकलन बेहद जरूरी है और यह संतुष्टि और सफलता का एकमात्र निश्चित तरीका है। इस महीने आप अपनी अनूठी सीमाओं और ब्रेकिंग पॉइंट्स को लेकर जागरूक हो। प्रतिद्वंद्वी की भावना आपको चिंतित कर सकती है, इसलिए अपनी नजरें नजदीकी लोगों पर रखें। बजट, व्यय या अन्य मौद्रिक मामलों के बारे में किसी बड़ी बैठक से बचें। अगर आपके विचार किसी समस्या को हल कर सकते हैं तो उन्हें शेयर करें, किंतु अधिक विवरण की जगह संक्षेप में इसे सुलझाएं। व्यक्तिगत जीवन और कार्यस्थल पर दूसरों के साथ मिलकर प्रयास करने के लिए यह समय सबसे बढ़िया है। अपने अच्छे के लिए दूसरों की मदद करना ना भूले, भले ही वो आपके विचारों से सहमत ना हो। तो दोस्तों, आप बात करते हैं मई महीने की कुंभ राशि की लव राशि फल के बारे में। अभी आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को कम करना और उनकी पूर्ति के बारे में सोच विचार करना चाहते हैं। इस माह को शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय रूप से शांति से गुजरना चाहते हैं। यह पिछले महीने आपके रिश्तों में होने वाली जटिलताओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। अभी अनावश्यक जोखिम ना ले और अपने साथी के लिए भी समय निकाले। दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करने की जगह अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में जरूर सोचे। कभी कभी थोड़ा स्वार्थी होने से भविष्य में सकारात्मक नतीजे मिलते हैं। अपने दिल की बात को शेयर करने का यह सबसे बढ़िया समय है। आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे रोमांटिक रिश्ते बन सकते हैं। अभी कुछ बदलाव लाकर आप अपने आप को बेहतरीन और मजबूत बनाएंगे। आपका कामुक होना आपके रिश्ते को मजेदार बनाएगा। प्रेमी, करीबी दोस्त या रिश्तेदारों को दिखाई कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। चुनौती या टकराव इस समय आपके हित में नहीं है। यह आपको अनावश्यक तनाव और अपेक्षा ही प्रदान करेगा।
संबंधों को लेकर ईमानदार रहे, किंतु इसमें प्यार की कमी ना होने दे। यह भविष्य में आपके लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होगा। दोस्तों अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक राशिफल के बारे में। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। इस महीने आपको बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जहां एक और प्रियतम आपसे पूरी तरह से प्रेम करेगा, लेकिन स्थितियां ऐसी बनेगी कि आप दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर तानातानी हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में आपका रिश्ता परेशानी में आ सकता है। छोटी छोटी बातों पर आप एक दूसरे से लड़ झगड़ सकते हैं, जिससे प्रेम की कोमल भावना का अंत हो सकता है। हालांकि बृहस्पति महाराज अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपकी लव लाइफ बेहतर बने। इसके अलावा एक संभावना यह भी नजर आती है कि संभवतः आप दोनों में से किसी एक व्यक्ति का जोर इस बात पर हो सकता है कि अब विवाह की दिशा में आगे बढ़ा जाए, और दूसरा इस बात पर बातचीत करना पसंद ना करे। ऐसे में बेहतर होगा कि इस महीने इन सभी बातों को ना करें और थोड़ा कम ही एक दूसरे से मिले, ताकि किसी बात पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो और आपका रिश्ता ठीक ठाक चलता रहे। दोस्तों अगर हम मई महीने की कुंभ राशि के स्वास्थ्य राशिफल की बात करें, तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के मामले में मई के महीने में आप ठीक ठाक रहेंगे। आपको बाएं कान, कमर, घुटने के दर्द, पेट से संबंधित रोग, अपच आदि से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ऐसी समस्याएं आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान कर सकती है। संतुलित तो भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। इससे आप काफी हद तक अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपने घर में कौन से छोटी छोटी सावधानियां हमें बरतनी है, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समस्या दूर हो। दोस्तों मान्यता अनुसार ऐसे बताया जाता है कि जिन लोगों के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है, उनको कभी भी अपने जीवन में पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। ज्यादातर लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। अगर आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हो, तो आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं दूर होगी और आप रुपए यानी कि पैसे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं कर पाएंगे। अक्सर देखा गया है कि लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात कठिन मेहनत करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी उनको आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। यदि आप यह उपाय अपनाते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल भी मिल सकता है। आप हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों पहला जो उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, तो इसके लिए आपको अपने घर की महिलाओं का आदर सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। महिलाओं को माता लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। जिस घर के अंदर महिलाओं का आदर किया जाता है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। इसके अलावा अगर घर परिवार में हमेशा वाद विवाद रहता है या फिर किसी महिला का अपमान किया जाता है, तो इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों दूसरा जो उपाय है, यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो इसकी वजह से आपके घर में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। इतना ही नहीं बल्कि आपके घर में लक्ष्मी जी एक पल भी नहीं रुकती। वास्तु शास्त्र में हर चीज के लिए दिशा निर्धारित की गई है। अगर आप वास्तु के नियमों का पालन करते हैं, तभी इससे आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और लक्ष्मी जी की कृपा से धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों तीसरा जो उपाय है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाए, तो इससे माता जल्द प्रसन्न होती है। इसलिए आप शुक्रवार के दिन विधि विधान पूर्वक माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य कीजिएगा। दोस्तों चौथा जो उपाय है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, तो उन लोगों के पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और उनके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि आप शुक्र ग्रह को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मोर पंख को अपने घर में रखें।
दोस्तों आखिरी और पांचवा जो उपाय है, आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। जिस घर में सफाई रहती है वहीं पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए तो आप अपने घर को साफ सुथरा रखें। तो दोस्तों इस तरह से मई महीने में कुंभ राशि का भाग्य बदलने वाला है, माँ लक्ष्मी वरदान देने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।